हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब? और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने स्टडीज़ को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे कि एज एन एस्पिरेंट मैं भी अब अपना आज हम अपना करेंगे ज्योग्राफी से स्टार्ट, क्योंकि हमने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म कर दी है हिस्ट्री की, और आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्स क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, है ना। तो आज का हमारा टारगेट है दो चैप्टर या तीन चैप्टर को कवर करना, और ज्योग्राफी में मेरे को टोटल तीन चैप्टर आज कवर करने हैं। सिक्स क्लास की ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हिस्ट्री हमारा कम्प्लीट हो चुका है। तो भी आप देख सकते हो तीन चैप्टर में क्या करते हैं बच्चे हैं, कि तीनों चैप्टर आज हम करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, विद मैप, विद फ्लो चार्ट और विद डायग्राम्स हम अच्छे से अपने नोट्स आज बनाएंगे। सो पहला चैप्टर हमारा है ज्योग्राफी का सौर मंडल में पृथ्वी, है ना। तो इसमें हम अपने पूरे ब्रह्मांड सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, है ना, आंतरिक ग्रहों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और बाह्य ग्रहों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और जितने भी हमारे ग्रह हैं ना, पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हो चुके हैं, उन ग्रहों के उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। और ये देख सकते हो इस तरह से डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि आप अपने नोट्स के जो बाद में रिवाइज करो तो आप इनसे कोरिलेट कर सको बहुत अच्छी तरीके से। और मेरे को ये सब मोटिव नहीं होता है कि हाँ मैं वीडियो चला रही हूँ, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ बस ब्लॉग करने के चक्कर में ही बस दिखाओ, क्योंकि इतनी मेहनत करके जो नोट्स बनाए जाते हैं ना, ये सब दिखाने के लिए नहीं होते। फाइल्स ली जाती हैं, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी जाती है, ये सब कुछ दिखावे के लिए नहीं होता। अगर ये दिखावा ही करना होगा तो मैं यही सब करूँगी, मैं कहीं जाऊँगी नहीं, घूमूंगी नहीं, वहाँ का ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी। लेकिन पढ़ाई इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसमें आप देख सकते हो। तो अभी हम कर रहे थे ज्योग्राफी, हमने जैसे कि स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने ब्रह्मांड के बारे में, सौर मंडल के बारे में, इसके अंदर आंतरिक ग्रह, चंद्रमा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो टॉपिक्स होते हैं उसको एक नोट डाल के उनको एक बॉक्स में कवर करके उसमें लिख सकते हैं कि हाँ ये एक फैक्ट है, इसको ऐसा एज अ नोट हम अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और अगर आप ज़्यादा ऐसे करेंगे कि क्या कहते हैं, लाइनिंग वाली स्पाइरल की बजाय अगर आप लाइनिंग स्पाइरल से लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो यही वाला था, तो मैंने सोचा भी इसे चेंज करते हैं, और जो बाकी आगे नोट्स होंगे वो मैं चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी मेरे पास यही वाली स्पाइरल थी और मैंने करके यही ले लिया, तो इस वजह से मैं यहीं पे ही नोट्स प्रिपेयर करती हूँ अपने। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टारगेट है तीन चैप्टर कंप्लीट करने का। अब हम देखते हैं कि अपने पूरे टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, बिकॉज आपको वीकली टारगेट रखना है और डे वाइज भी टारगेट रखना है, और उनको काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली उनको फॉलो भी करना है। तब यहाँ पे हम ध्रुव तारे के बारे में पढ़ रहे थे कि जो ध्रुव तारा होता है उसके टाइम, जो शाम के टाइम, जैसे पहले के टाइम पे ना, प्राचीन समय में जो हमें टाइम का पता चलता था ना, वो तारों की दिशा को देख के पता चलाया जाता था, है ना। तो इस तरह से ये ध्रुव तारा है ना, और इसी तरह से पूरे ये जो सात तारे होते हैं इनको सप्तऋषि कहा जाता है। इस तरह से मैं साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जब मैं नोट्स बना रही होती हूँ ना, तो मैं उनको ना हाईलाइट भी कर लेती हूँ, बिकॉज जब मैं रीड करूँ तो हाँ एकदम दिमाग में ना वो चीज़ क्लिक करे कि हाँ यार मैंने ये चीज़ लिखी थी। और कुछ कुछ वर्ड्स को आप हिंदी के साथ साथ ना ज्योग्राफी में उनकी इंग्लिश भी लिख लिया करो, बिकॉज वो वर्ड की मीनिंग हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना चाहिए, है ना। कि जैसे मेटेरॉइड्स हो गया, है ना, एस्ट्रॉइड्स हो गया, इन चीज़ों के बारे में, और बाकी आपको अपने सारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, है ना, और उनके उपग्रह कितने हैं, उनके घूर्णन की दूरी में कितनी समय लगता है, परिक्रमण में कितना समय लगते हैं सभी ग्रहों को। तो इस तरह से ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में गाइस पूरा यही सब था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हम इसमें सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सौर मंडल में हमारा सब कुछ आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड आता है इसके अंदर, इस वजह से। और हम इसमें सारी चीज़ों को डिटेल वाइज अच्छे से फ्लो चार्ट की तरह एकदम, आपको भी इसी तरह से एरो बना के ही लिखना होता है, ताकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आएँ।
आपको लगे कि हाँ ये नोट्स बनाए हैं। अब मैं जब नोट्स बनाओ ना, तो नोट्स ऐसे बनाओ कि जब आप उसको याद करो ना, तो आपको ना कोरिलेट कर सको, आपको इंटरेस्ट आए अपने ही खुद के नोट्स पढ़ने में। ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी बुक छाप दे रहे हो। बुक छापने से गाइस कुछ नहीं होता, फिर वही लगता है कि ये तो सेम चीज़ बुक में लिखी थी, मैं भी ये क्यों लिख रही हूँ। बट हाँ, ये चीज़ होती है कि अगर आपके पास खुद के सेल्फ प्रिपेयर नोट्स होते हैं ना, तब आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही नोट्स ना आपको इतने वन वर्ड MCQs वाले आंसर्स दे देते हैं ना, कि इसका कोई जवाब ही नहीं होता है। तो मैं जब ये नोट्स कर रही हूँ, बना रही हूँ, तब मेरे को क्लिक होता है कि हाँ यार, मैंने ये वाला एग्ज़ाम दिया था ना, तो इस लाइन में से ये क्वेश्चन आया था, वो वाला एग्ज़ाम दिया था, तो अच्छा ये था वो क्वेश्चन। तो इस तरह से दिमाग में क्लिक करती हैं चीज़ें, है ना। जो क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं, वो सूर्य से पृथ्वी के बीच के जो ग्रह होते हैं, वो आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। तो पृथ्वी के बाद के जो बाकी के ग्रह होते हैं, वो बाह्य ग्रह के कहे जाते हैं। देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे साथ के साथ डायग्राम भी बना लिया है ना, कि ये सन है, उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, है ना, नेपच्यून, यूरेनस, इस तरह से। और इनके कौन किस किस के उपग्रह होते हैं, किस किस के कितने उपग्रह होते हैं, है ना। रिंग लाइट वाला किसकी अपनी खुद की प्रकाश है, किसके कितने उपग्रह पाए गए हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। और आज का मेरा ये पूरा डे, ये वाला जो व्लॉग है, पूरा ज्योग्राफी पे ही होने वाला है। और जो लोगों की ज्योग्राफी हिंदी में है, तो वो प्लीज़ अपने नोट्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज़ ज्योग्राफी जो हिंदी में होती है ना, उनको पता होता है जो थोड़े से जो शब्द है ना, वो कठिन शब्द होते हैं, और प्रोनाउंसिएशन भी हम उसका सही से नहीं कर पाते हैं, जैसे खगोलीय, उल्कापिंड, नाभिकीय, है ना, पारिस्थितिकी, परितंत्र वगैरह। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। तो इन चीज़ों को साथ के साथ आपको लिखते रहना है, और उनको इंग्लिश में भी लिख लो कि हाँ, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। तो आप चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे और अपने माइंड में क्लिक कर पाओगे, है ना। और हो सके तो आप ना एक साथ ब्लैक ब्लू प्लान के अलावा ना रेड और ग्रीन कलर के पेन भी रखो, क्योंकि जो नोट्स आपको लगेंगे, मुझे पता है कि हाँ, जब आप वैसे मेन साइंस राइटिंग करते हो, जो भी करते हो, उसमें तो आप नॉर्मल ब्लू पेन से लिखते हो, बट अपने नोट्स को इस तरह से बनाओ ना कि हाँ, वो आपको लगे कि हाँ, मैंने नोट्स बनाए हैं। और जब आप रिविज़न करो ना, तो दिमाग में चीज़ें क्लिक हों और रिविज़न करने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, और आप चीज़ों को ना बहुत अच्छे से समझ पाओ। सो इसीलिए अपने नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करो कि आपको कोई प्रॉपर समझ आए। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रही थी सूर्य से दूरी के अनुसार, है ना, जो दूरी पे कितने कितने हैं, और क्या कहते हैं, लाइन वाइज लिखे हैं मैंने सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं, तो हम उसको एक साथ लिख रहे हैं। और साथ में साथ आपको ये भी लिख देना है सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, और सबसे छोटा कौन है ना। तो बिगेस्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर, और जो बुध है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। तो और वैसे भी ये 6th क्लास की NCERT है, तो आप अच्छे से कोरिलेट कर ही पाओगे ना। और जो बाकी ग्रह हैं, वो तो एक ही सीध में पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, लेकिन जो शुक्र और यूरेनस होते हैं ना, ये जो दो हैं, ये ना विपरीत डायरेक्शन में पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं। तो अगर आप जब इन चीज़ों को, नोट्स को काफ़ी अच्छे से अपना प्रिपेयर करोगे और बनाओगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएंगे। सो आई होप गाइज, आपको ये मेरे नोट्स पसंद आए होंगे, और जिस तरह से मैं यहाँ पे नोट्स बनाती हूँ, मुझे ही पता है। देन इसके बाद ना, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा कि 2006 के बाद जो था प्लूटो नहीं था हमारा ग्रह 2006 के बाद। अब सिर्फ केवल 8 ग्रह रह चुके थे, प्लूटो अब इन ग्रहों में नहीं गिना जाता। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अब 8 ग्रह हैं। इसका भी फैक्ट है, तो आपको उसको चीज़ों को फैक्ट के साथ पढ़ते रहना चाहिए, और अपने पॉइंट्स को हाईलाइट ज़रूर करें। मैं आपको यही सजेशन करूँगी गाइज़। आई होप आपकी स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा